Hello everyone, this is Ritu. Today we are going to do chapter number 7 of class 9th, exercise 7.2. इसका जो first question है, हमारे पास क्या दे रखा है? In a triangle, in एक isosceles triangle है, isosceles triangle आपको बताया था जिसमें दो side equal हों, with AB और AC is equal to, ये वाली side is equal to किसके है? इस side के. Then bisector of angle B, B का कोई bisector है, इस angle का bisector है B, and C और C का bisector है, वो दोनों जो intersect each other, वो दोनों एक दूसरे को intersect करते हैं at point O, और उस O को further join कर लेते हैं हम A पे, okay? ये हमारे पास दे रखे हैं, हमें show का क्या करना है, OB is equal to OC, OB is equal to OC, और सेकंड क्या करना है, जो आपका O है, वो एंगल A को भी क्या कर रहा है, bisect कर रहा है, हमें ये भी दिखाना है, ओके, हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, जो हमें दिखाना है, OB is equal to OC, ओके, सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC में आपके पास क्या गिवन है, AB is equal to AC, ये क्या है आपके पास, गिवन है, अगर ये गिवन है इसका क्या मतलब हुआ एंगल बी इस ट्रायंगल में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यों होंगे ये इक्वल ये दो साइडें अगर इक्वल हैं इस ट्रायंगल में तो ये एंगल भी इक्वल होंगे क्यों क्यों हमने थ्योरम पढ़ी थी अगर किसी ट्रायंगल के दो इक्वल साइड हैं उसके जो अपोजिट एंगल बनते हैं वो भी क्या बनते हैं इक्वल बनते हैं और इसका कन्वर्स पार्ट भी पढ़ा था अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल में इक्वल्स हैं जो उसकी अपोजिट साइड्स बनती हैं वो क्या होती है इक्वल अब हमारे पास यहाँ क्या गिवन है दो इक्वल साइड हैं इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल इस साइड का अपोजिट एंगल ये इस साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल रीज़न लिख देते हैं रीज़न क्या आएगा एंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल बन रहे हैं ओके अगर मैं इसका हाफ कर दूं एंगल्स का अब देखो इस एंगल को अगर मैं इन एंगल का हाफ कर देती तो आपके पास क्या आएगा अगर मैं एंगल बी का हाफ कर देती तो आपके पास मैंने इसका भी हाफ कर दिया चलो इसको देख लेते हो एंगल बी को आप लिख सकते हो एंगल ए बी सी पूरा नाम लिख लिया मैंने ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी ए सी बी इसको ऐसे लिख सकते हो इसका नाम बस नाम चेंज किया है पूरा नाम लिख दिया पहले मैंने एंगल बी बी सी और सी लिखा होता है पूरा नाम लिख दिया ओके अगर मैं इसका हाफ कर दूँ इन्होंने कहा है ना बाइसेक्ट कर रहे हैं अगर मैं इसका हाफ कर दूँ तो मेरे पास एक एंगल ये बनेगा एक एंगल ये बनेगा ओके दोनों एक एक बार में लिख देते हैं अगर एंगल मैं इसको बाइसेक्ट कर रही हूँ सबसे पहले हमारे पास एंगल एक हाफ ये बनेगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी ओ बी सी ओ सी बी एक ये एंगल ये दोनों इक्वल होंगे ओके हाफ करने के बाद या और या हमारे पास ऊपर वाले एंगल बनेंगे एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ई ओके क्या किया है मैं बता देती हूँ इन्होंने कहा ये बाइसेक्टर है इस एंगल का अगर ये दोनों एंगल हैं अगर मैं इनका हाफ करूँ वो भी तो इक्वल ही होगा एक्सपोज ये 40 है ये भी 40 है इनका हाफ करूँगी इसका हाफ 20 इसका हाफ 20 वो भी तो इक्वल होंगे अब मैंने इसका हाफ कर दिया हो सकता है मैं इस 20 की बात कर रही हूँ ये 20 इसके इक्वल हो सकता है मैं ऊपर वाले 20 की बात कर रही हूँ ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा इसके इक्वल मैंने ये लिख दिया ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेती हूँ ओके अब हमें क्या करना है पार्ट 1 में देखते हैं हम पार्ट 1 ले लेते हैं पार्ट 1 में हमें क्या प्रूव कराना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अब वो किस ट्रायंगल में हम ले लेते हैं ट्रायंगल ट्रायंगल ये वाले ले लेते हैं ओ ओ बी सी इन ट्रायंगल ओ बी सी आपके पास एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू ओ सी बी बन रहा है बाय 1 इक्वेशन 1 लिख दो बाय इक्वेशन 1 ये इक्वल बन रहा है और अभी हमने यहाँ से किया था अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड क्या होंगे इक्वल अगर दो अपोजिट साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट में जो भी साइडें बन रही हैं वो भी क्या होंगे इक्वल दिस इम्प्लाइज
OB is equal to OC. Reason लिख दो, opposite sides, opposite to equal angles. ओके, यही हमने इसमें प्रूव कराना था. पार्ट नंबर सेकंड लेके चलते हैं. इन्होंने कहा था अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो प्रूव कराने हैं हमने. हम क्या लेते हैं इन ट्राइंगल. अब हम इसको बाइसेक्ट कैसे प्रूव कराएं कि ओ इसको बाइसेक्ट. अगर हम दोनों एंगल को ही इक्वल प्रूव करा दें तो मीन्स वो दोनों बाइसेक्ट ही हो रहे होंगे. इक्वल प्रूव कराने के लिए हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा दें. कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराने पे हम बता सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं. हम वही करेंगे. इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं. इन दोनों ट्राइंगल में आपके पास पहले सबसे देखो बाई वन से बाई टू से बाई इक्वेशन टू से एक एंगल तो इक्वल आ रहा है, ये और ये एंगल इक्वल आ रहा है. एंगल कौन सा बन रहा है, ओ बी ए इज इक्वल टू ओ सी ए लिख दो बाई वन बाई टू सॉरी. ओके, और दूसरा क्या बन रहा है, ओ ए, ओ ए कॉमन आ रही है, कॉमन है. और क्या है, गिवन भी दे रखा था आपके पास कुछ, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, गिवन है आपके पास. ओके, अब दो साइडें आ गई, एक एंगल आ गई. दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ ए सी. इसका क्या मतलब हुआ, जो आपके पास एंगल कौन सा बन रहा है, बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए ओ ओ ए सी सॉरी ओ ए सी. बी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हुए, इक्वल हुए. इक्वल हुए, इस इक्वल होने का क्या मतलब हुआ, जो ए ओ ए है बाइसेक्ट्स करती है एंगल ए को. ओके, देखो हमने क्या किया है. एक आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, अगर आप एंगल तीन साइड है, क्योंकि हमारे पास साइड 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 से भी कॉन्ग्रुएंट होती है. हालांकि हमने नहीं किया अभी, वो एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा आई थिंक. एक होता है साइड साइड, एक क्राइटेरिया और होता है, अगर हम किसी ट्राइंगल की तीन साइड इक्वल दिखा दें तो वो क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट बन जाती है. तब भी अगर हम ये एंगल ना दिखाना चाहें, सिर्फ साइड साइड दिखाना चाहें, तो आपके पास यहाँ पे ओ ए ओ ए कॉमन हो जाएगी, बी ए ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है आपके पास, ये आपके पास कॉमन हो गई है. और एक और चीज़ थी जो आपने फर्स्ट से आप बाय जो आपने पार्ट किया है, बाय पार्ट वन से ओ ए ओ बी और ओ सी आपके पास इक्वल आ रही है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी. ये यहाँ से भी कॉन्ग्रुएंट आप प्रूव करा सकते हो, ओ बी ए कॉन्ग्रुएंट है ओ ए सी बाय कौन से रूल से, एस एस एस. बस रूल लिख देना किस रूल से किराया है. अब यहाँ पे किस रूल से किराया था आपने, एस ए एस से. ओके, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप एंगल दिखा सकते हो. एंगल अगर इक्वल है तो इसका मतलब वो क्या है, ओ ए बाइसेक्ट कर रही है. एक बार देख लेते हैं क्या किया है. हमारे पास क्या गिवन था, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, दो साइड इक्वल थी, एक बी को बाइसेक्ट कर रहा है, कोई सी को बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों मीट कहाँ कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे. अगर हम इसको फर्दर आगे चलाएं, वहाँ हम उसको ए से ज्वाइन करें, ठीक है, ए से ज्वाइन कर दिया. उसके बाद हमें क्या दिखाना था, जो हमारे पास ये लाइनें हैं ओ ए जो बाइसेक्टर हैं, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल. और एक क्या दिखाना था, जो ओ ए एक और है लाइन जो हमने ज्वाइन की थी, वो एंगल ए का बाइसेक्टर है. ओके, हम सबसे पहले जो हमारे पास था उसी से हमने फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है. क्या हमारे पास जो हिंट थी वहाँ से लिया, ट्रायंगल ए बी सी थी, दोनों साइड इक्वल है. दोनों साइड इक्वल होने का क्या मतलब है, एंगल ये दोनों भी इक्वल होंगे, इन दोनों का हाफ भी इक्वल होगा. अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा. उस हाफ से एक एंगल ये दोनों इक्वल बनेंगे और एक एंगल ये दोनों इक्वल बनेंगे, दोनों लिख लिए. अब हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कराना, वहाँ हमें ये स्मॉल ट्रायंगल ले लिए. अगर स्मॉल ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल आए तो मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे, क्योंकि हमने जो थ्योरम की थी वहाँ उस थ्योरम का यूज़ किया है, वहाँ से दोनों क्या आएगी, साइड इक्वल. अब सेकंड पार्ट में ओ ए बाइसेक्ट करता है ए को, हमें एंगल ए को बाइसेक्ट करता है ये प्रूव कराना था.
प्रूव कैसे कराएंगे अगर इन दोनों एंगल को हम क्या दिखा दें, इक्वल। इन दोनों के इक्वल दिखाने के लिए हमने ये दोनों ट्राइंगल ले लिए, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराएंगे। वही हमने कर लिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराने के दो वे मैंने बताए थे आपको। एक में तो हमारे पास ये दोनों साइड गिवन ही है, इक्वल है, ये कॉमन हो जाएगी और ये हमने फर्स्ट पार्ट में ही प्रूव करा दिए, ठीक है। वहाँ से SS रूल से हमारे पास कॉन्ग्रुएंट बन जाएगी। अगर हम सेकंड देखते हैं तो एक यहाँ से मैंने कहा था अगर हम इस पूरे एंगल का हाफ करते हैं तो एक ऊपर वाला एंगल भी बनता है, वो दोनों एंगल इक्वल होगी, ये कॉमन साइड होगी और ये दोनों क्या होगी, गिवन। बाय SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होने से क्या मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, कॉरस्पोंडेंस एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, OA एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। यही हमने प्रूव कराना था। ओके, आई होप आप सबके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।